दोस्तों, हम लोग योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका 24वां सेशन है, 24th। आज हम 33वें सूत्र से आगे बात शुरू करेंगे। हम एक क्विक रिकैप करें, अभी तक हमने क्या पढ़ा। सूत्र एक और दो योग के परिचय के बारे में बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, माइंड को जब बैलेंस कर लिया जाता है, मॉडिफिकेशन समाप्त होता है, उसको योग कहते हैं। सूत्र तीन लक्ष्य के बारे में बताता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है। सूत्र चार से ग्यारह उस लक्ष्य की प्राप्ति में क्या अवरोध आते हैं उसके बारे में चर्चा करता है। सूत्र एक और दो योग सूत्र का योग का परिचय देते हैं, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। सूत्र तीन लक्ष्य के बारे में बताता है कि व्यक्ति जब अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है तब वो अपने आप को पहचान लेता है। सूत्र चार से ग्यारह उस लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध क्या आते हैं, उसमें पांच प्रकार के जो वृत्तियां हैं उसके बारे में बताता है। सूत्र 12 से 15 उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में अभ्यास, वैराग्य, वशिकार वैराग्य और परम वैराग्य के बारे में बताता है। सूत्र 17 और 18 उस लक्ष्य की प्राप्ति के चरण बताता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। सूत्र 19 और 20 उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो पाने की स्थिति में, अधूरी रह जाने की स्थिति में क्या होता है, तो दोनों स्थितियां बताता है, विदेह और प्रकृति लय, या फिर उपाय प्रत्यय करना पड़ेगा, भव प्रत्यय या उपाय प्रत्यय, दोनों के बारे में बताता है। सूत्र 21 और 22 लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा को तेज करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसका संवेग बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में बताता है। सूत्र 22 से 29 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर क्या है और उसके बारे में विस्तार से इसमें चर्चा होती है। सूत्र 30 और 31 उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में 9 विक्षेप और 5 उपविक्षेपों के बारे में बताता है। और सूत्र 32 से 40 तक इन विक्षेपों और उपविक्षेपों को दूर करने के 9 उपाय के बारे में बताई जाता है। तो एक उपाय हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इन विक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। आज हम दूसरे उपाय पर चर्चा शुरू करेंगे। सूत्र 33 अध्याय 1 योग सूत्र, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सूत्र 33 से आज हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। सूत्र 33 है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणा, सुख दुख पुण्य अपुण्य, विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादम। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चार इमोशंस के बारे में ये सूत्र बताता है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा के रूप में सूत्र को लिया जाए तो भी एक महान सूत्र प्रतीत होगा। इस सूत्र का अर्थ है सुखी के प्रति मित्रता, दुखी के प्रति दया, पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता, पापात्मा के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। कल्टीवेटिंग फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स हैप्पी, कंपैशन टुवर्ड्स सफरिंग्स सफरर्स, गुडविल टुवर्ड्स वर्चुअस, न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ईविल मेक्स माइंड मोर प्योर एंड रेडी टू फोकस। ये दूसरा उपाय बताया जा रहा है विक्षेपों को दूर करने का। हम एक अपने मन को एक ग्लास में भरे हुए पानी की तरह लें। जैसे हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, पानी का स्थिर होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, तभी आप उसके तल को देख पाएंगे। अगर पानी में बहुत लहर है तो तल में क्या है, अंदर क्या छुपा है, हम नहीं देख पाएंगे। तो उसको कहेंगे चित्त स्थिति। पर पानी का ट्रांसपेरेंट होना भी बहुत जरूरी है। अगर उसमें मैलापन है,
उसमें धूल है, उसमें मैल है किसी रूप का, तो आप उसके आर पार चित्त स्थिति होने के बाद भी, पानी शांत होने के बाद भी आप आर पार नहीं देख पाएंगे। तो चित्त का शुद्ध होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सूत्र चित्त को शुद्ध करने के बारे में बताता है कि अगर आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए अनिवार्य है कि आपका चित्त पूरा शुद्ध हो। और चित्त शुद्ध कैसे होता है? देखने का एक सही नजरिया विकसित करने से। तो देखने का सही नजरिया क्या होता है, तो उन्होंने इस सूत्र में वही बताया है। पहले हम इस चित्त को मलिन क्या क्या चीज करती है उस पे चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि देखने का फिर सही नजरिया कैसे विकसित करें, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हम उसको देखते हैं। कैकेयी ने राम में शत्रु को देखा और कैकेयी का जीवन बर्बाद हो गया। सीता जी ने राम में पति को देखा और पति के विरह में जीवन जिया। दशरथ जी ने राम में पुत्र को देखा और पुत्र के वियोग में प्राण गंवाए। रावण ने राम में शत्रु को देखा और एक दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ। केवल एक किरदार था जिसने पहली दृष्टि में राम में प्रभु को देखा, उस प्रक्रिया में वो स्वयं प्रभु बन गए, हनुमान जी। आप कैसे देखते हैं वो गहराई से प्रभावित करेगा कि आपका चित्त कितना शांत होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं हम कैसे देखें, हाउ टू सी। बहुत खूबसूरत सूत्र है ये, पर अब हम पहले ये बात करेंगे देखने में छह मल क्या है, चित्त के छह मल, वो छह देखने का गलत तरीका जो मन को मलिन कर देते हैं, विक्षिप्त कर देते हैं। और फिर हम बात करेंगे चार देखने के सही तरीकों पर। तो पहले बात करें मलिन, चित्त मलिन किन चीजों से होता है। तो पहला, अच्छा ये सुनते समय आपके आसपास उन सारे लोगों के बारे में विचार कीजिए जिनको आप इस परिभाषा से जोड़ पा रहे हैं। हम एक एक करके पांच छह चीजें बताएंगे, आप उन सब के बारे में सोचिए जो आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, सोचिए जरा, ठीक। तो आप पहचान पाएंगे कि इस मलिनता से स्वभाव पे क्या असर पड़ता है, ठीक। पहला राग, ये पहला मल है मन का। राग मतलब यह सुख मुझे सदा ही प्राप्त होता रहे, जो मिला है वो मिला रहे, जो उपलब्ध है वो रहे, जो मेरे पास है, जो सुख है वो हमेशा रहे, इसको राग कहते हैं, ठीक, क्लिंगिंग रखते हैं। दूसरा ईर्ष्या, किसी और के पास वह देखकर जो मुझे चाहिए है या था, मन में आने वाले भाव को ईर्ष्या कहते हैं। सोचिए अपने आसपास, ठीक, ईर्ष्या, किसी और के पास वह देखकर जो मुझे चाहिए था या है, उसमें जो मन में भाव आता है, वो किसी की ज्वेलरी देख के आ सकता है, कहीं किसी की प्रॉपर्टी देख के आ सकता है, किसी का रुतबा, किसी के रिश्ते, कुछ भी देख के आ सकता है, किसी की सेहत, कुछ भी। तीसरा परापकार, परापकार का मतलब किसी को सबक सिखाने, बदला लेने या दुख पहुंचाने या सजा देने की इच्छा परापकार कहलाती है। किसी को दुख देने की इच्छा वापस कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ये उसको सोचना चाहिए पहले, करने से पहले, अब उसने गलती की है तो फिर मैं भी वापस सजा दूंगा उसको या दूंगी उसको, ठीक, परापकार। असूया चौथा, असूया, दूसरों के गुण में दोष देखना, किसी दूसरे के गुण में दोष देखना। जैसे कोई बड़ा व्रतशील है तो उसमें क्या देखना, बड़ा दंभी है वो, बड़ा अहंकार, ये देखो उसको अपने व्रत का बड़ा अहंकार है, ठीक। कोई बहुत आचारशील व्यक्ति दिखे कि कितना अच्छा उसका आचरण है, तो उसके बारे में सोचना पाखंडी है, ठीक। कोई बड़ा सदाचारी दिखे तो उसके बारे में सोचना झूठा है वो, ठीक। ये असूया, असूया, ठीक।
दूसरों के गुणों में भी दोष देखना, असूया। इन पे हम बाद में फिर से चर्चा करने वाले हैं। पांचवा, द्वेष, किसी को क्षमा न कर पाना, आसानी से क्षमा न कर पाना, बिल्कुल फांस की तरह अंदर चुभ जाती है कोई चीज, फिर हम उसको माफी नहीं कर पाते। छठा, सिक्स्थ, अमर्श, किसी के कठोर वचन सुनकर या किसी प्रकार के मान में कमी को महसूस करकर उसे सहन न कर पा और बदला लेने की चेष्टा करना, उसने मेरी मान हानि करी सबके सामने, अब मैं भी बदला लूंगा, उसने इस तरह के शब्द मेरे प्रति बोले, मैं भी ऐसे ही शब्द बोलूंगा या बोलूंगी, ये छह मन के मल हैं। जब ये विचार मन में आते तो मन अव्यवस्थित हो जाता है, फिर ये मन ध्यान में नहीं लग पाता आसानी से। आप मेडिटेशन करेंगे, बीच में आपका ध्यान भंग हो जाएगा, क्योंकि इतने विचार हैं आपके अंदर, आप शांत नहीं रह पाएंगे। तो चलिए, कुछ लोगों के चेहरे आपके दिमाग में आए होंगे। अब हम ये देखें हमारा मन कितना मलिन है। कागज पेन उठाइए, हम आपसे 12 प्रश्न पूछेंगे, अभी आकलन लीजिए कि हमारे मन में मलिनता की क्या स्थिति है। चलिए, पहला प्रश्न, हर प्रश्न में आपको 10 में से अंक देने हैं, अगर बिल्कुल वैसा का वैसा है तो 10 में से 10 दीजिए, और जितना कम हो उतना अंक काटते चले जाइए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक सेकेंड। सो पहला प्रश्न है, आई फील पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स एंड पीपल आई हैव, मेरे पास जो चीजें हैं या व्यक्ति हैं उनके प्रति मैं पॉजिटिव फील करता हूं या करती हूं। अगर ऐसा है तो 10 में से 10 दीजिए, अन्यथा उतने अंक कम करिए जितना कम महसूस करते हैं। दूसरा प्रश्न, आई फील फियर ऑफ लूजिंग क्लोज रिलेशनशिप्स एंड पीपल, मुझे भय रहता है कि मैं करीबी लोगों या रिश्तों को कभी खो ना दूं जीवन में, मुझे भय रहता है कि करीबी लोगों या रिश्तों को मैं खो ना दूं या चीजों को मैं खो ना दूं, इनमें से कुछ भी, ठीक। तीसरा प्रश्न, When somebody else has something which I wanted in life, I feel jealous. जब किसी और के पास कोई ऐसी चीज होती है जो मुझे चाहिए जीवन में, तो मुझे जलन की अनुभूति होती है। बहुत ईमानदारी से अंक देते जाइए खुद को, अगर बिल्कुल ऐसा है तो 10 में से 10, अन्यथा उसमें से कम करते जाइए। चौथा प्रश्न, When I see some undeserving having something which I, in spite of being deserving, don't have, I feel jealous. जब मैं देखता हूं कि कई बार कुपात्र लोग, जो इतने योग्य भी नहीं है, जो इसके योग्य भी नहीं है, उनके पास वो चीजें हैं जो मैं, जो चीजें मेरे पास होना मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं योग्य हूं, मैं पात्र हूं, तो मुझे मन में थोड़ी जलन महसूस होती है कि देखो ऐसे ऐसे लोगों को मिला है, मुझे क्यों नहीं। ठीक, सोचिए, ये कोई भी चीज हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, शांति हो सकती है, पैसा, प्रतिष्ठा, कुछ भी हो सकता है। पांचवा प्रश्न, When somebody does wrong to me, I feel like giving him back. जब कोई मेरे साथ गलत करता है तो मेरा मन करता है कि बिल्कुल वापस उसको वैसे ही ना, ताकि उसे सबक मिले इस बात का। पांचवा, छठा, When somebody behaves in a proper, improperly with me, When somebody behaves improperly with me, I feel like behaving the same way with him to teach a lesson. जब कोई व्यक्ति मेरे प्रति improperly गलत व्यवहार करता है, तो मैं भी उसके प्रति गलत व्यवहार करता हूं ताकि उसे एक सबक दे सकूं। प्रश्न सातवां, I feel many people in the world just show off more goodness than they actually have. मुझे लगता है दुनिया में लोग अच्छा दिखाते खुद को बहुत है, उतने अच्छे वो होते नहीं है। अंक दीजिए।
आठवां, व्हेन द पर्सन हुम आई डोंट लाइक डज समथिंग गुड आई फील इट्स बीन डन बाय चांस और विथ सम अल्टीरियर मोटिव्स। जब कोई व्यक्ति जिसे मैं पसंद नहीं करता कुछ अच्छा करता है तो मुझे लगता है बाय चांस अच्छा हो गया, या फिर ये कुछ और करना चाह रहा है जिसके कारण ये हुआ है, कुछ इसके और उद्देश्य है। 9th क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉरगेट रॉन्ग डीड्स ऑफ पीपल डन अनटू मी। जब कोई मेरे साथ गलत करता है तो मुझे उन्हें माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंक दीजिए। 10वां प्रश्न, इट टेक्स मच टाइम फॉर मी टू फॉरगिव एनीबडी। किसी को भी माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत समय लगता है किसी को माफ करने में। 11वां, व्हेन समबडी डज नॉट गिव मी ड्यू रिगार्ड आई फील लाइक रेसिप्रोकेटिंग बैक टू हिम इन द सेम वे। जब कोई मुझे उतना मान नहीं देता जितना मान मुझे दिया जाना चाहिए तो मेरे अंदर क्रोध आता है और मेरा मन करता है कि उसको वापस उसका व्यवहार लौटाऊं। अंक दीजिए। 12वां, व्हेन समबडी डज नॉट स्पीक विथ मी इन राइट लैंग्वेज एंड प्रॉपर वर्ड्स आई कांट टॉलरेट सच बिहेवियर। जब कोई व्यक्ति मुझसे सही भाषा या सही शब्दों का उपयोग किए बिना बात करता है तो मैं उसे सहन नहीं कर पाता। अंक दीजिए। अब बाद में आप इसको जोड़ लीजिएगा, अगर आपका स्कोर है 0 तो आपका माइंड प्योर है, अगर आपका स्कोर 1 से 30 के बीच में तो लिटिल इंप्योरिटीज है, अगर आपका स्कोर 31 से 60 के बीच में है तो मीडियम इंप्योरिटीज है, अगर आपका स्कोर 61 से 90 के बीच में है तो हाई इंप्योरिटीज है, अगर आपका स्कोर 119 तक है तो इंटेंस इंप्योरिटीज है, और अगर आपका स्कोर 120 है तो फुल्ली इंप्योर माइंड है। थिंक, चलिए अब बात शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने जाना कि ये इंप्योरिटीज है माइंड की, पर अब फिर क्या किया जाए। सो ये सूत्र बताता है 4-fold बिहेवियरल स्ट्रेटजी। यदि आप सिंसियर हैं ध्यान के प्रति तो ये 4 चीजें आपको अपने व्यवहार में आज से अपनानी है, 4-fold। तो दुनिया में 4 तरह के लोग हैं ये सूत्र बताता है, ठीक, या दुनिया के लोगों को आप 4 एक मैट्रिक्स में प्लॉट कर सकते हैं। कौन? देखिए 4 शब्द इसने यूज किए, सुखी दुखी, एक सुखी एक है दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये हो गए 4, ठीक, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा। तो चलिए अब इन लोगों के प्रति कैसा सोच हमारे मन में होनी चाहिए, वो है ब्रह्म विहार। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने इन्हीं 4 को ब्रह्म विहार कहा। किस प्रकार का विचार हमें लोगों के प्रति रखना चाहिए मन में, इसको ब्रह्म विहार कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें सुखी लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखना है। आसपास जितने लोग सुखी हमें दिखते हैं तो सूत्र कहता है सुखी लोगों के प्रति मैत्री। सुखी मनुष्यों को देख के मन में उनके प्रति मित्रता का भाव आए, ये महत्वपूर्ण है कि ये सुख परमात्मा उसको हमेशा बना रहे, लविंग काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस। जब ये भाव हर व्यक्ति जो सुखी है आसपास उसको देख के आता है तो राग और ईर्ष्या कम होने लगती है, वो जो मलिनता है वो कम होने लगती है। अपने आसपास जितने लोग सुखी दिखे उनके प्रति मैत्री का भाव। अभी कुछ समय पहले ऐसा पढ़ने में आया, आज के ही न्यूज़पेपर में इनफैक्ट, कि एक शहर में एक महिला अपनी जेठानी के पास जो ज्वेलरी थी उसको देख के ईर्ष्या करती थी, उसके सुख से उसके प्रति मन में ईर्ष्या थी, और उसने कुछ बड़ा अपराध कर दिया उसके जेवर पाने के लिए और अभी उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई हुई।
दूसरे को सुख को देखकर सुखी हो पाना ये एक बहुत एसेंशियल ह्यूमन क्वालिटी है। यदि हम में नहीं है तो हमसे मेडिटेशन नहीं सधेगा। अच्छा, अब ये जो है इसको कई लोग कंफ्यूज करते हैं। मैत्री का मतलब ये नहीं है कि ये सोचूं कि चलो यार वो बहुत अच्छा कर रहा है तो भाई अपने परिवार के लोग अच्छा कर रहे हैं तो कल को हम उससे सबल होंगे, ये नहीं है एग्जैक्टली मैत्री। ये मैत्री जैसा लगता है, दूसरों के सुख में सुखी होना जैसा लगता है, पर ये है नहीं। इसमें हमारे सेल्फिश इंटेंशंस है कि हाँ भाई घर का बच्चा अच्छा कर रहा है तो कल को काम आएगा, ये अच्छे कर रहे हैं तो कल को काम आएंगे, ठीक है, तो उनका अच्छा करने में देख के खुश होना, ये नहीं, ये मैत्री नहीं है। मैत्री सेल्फलेस होना है उसमें, ठीक। और कई लोग तो एक हद तक और दूर तक जाते हैं कि मैं खुश नहीं हूं तो वो कैसे खुश हो सकता है। कई रिश्ते में ऐसे होता है, बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप में भी लोग एक दूसरे बोलते हैं आप मुझे मिस नहीं कर रहे, और अगर आप मुझे मिस नहीं कर रहे तो मैं इस बात में बहुत दुखी हूं कि भाई मैं तो आपको मिस कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे मिस कैसे नहीं कर सकते, ठीक। तो इससे फिर मन में दुख होता है। तो फिर यदि ऐसे हमारे मन में आता है तो फिर हमारा ध्यान नहीं सधेगा। यह सोचना कि मैं अगर किसी को मिस कर रहा हूं तो उसे भी मुझे मिस करना ही चाहिए, मैं किसी के बिना अगर सुखी नहीं हूं तो वो मेरे बिना सुखी कैसे हो सकता है, ठीक। ये गलत विचार मन में उथल पुथल लाता है, ठीक। और जब मैं खुश नहीं रहता, अंदर से मैं खुश नहीं हूं, तो खुश लोगों के बीच में भी मुझे मैं सहज फील नहीं करता, अच्छा नहीं लगता मुझे उन लोगों के साथ, वो हंसते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है, अंदर के खालीपन का एहसास होता है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं मन ही मन दुखी हूं तो मैं उन सब लोगों से दूरी बना लेता हूं जो बहुत खुश है। ये भाव मेरे मन को और परेशान करता है। अपने अंदर महसूस कीजिए और इन सब बातों पर विचार कीजिए। जब तक ये विचार मन में रहेंगे मैत्री स्थापित नहीं होगी, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या है, बीइंग कंटिन्यूअसली माइंडफुल ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज ऑफ माइंड, लगातार देखते रहिए अपने मन के विचारों को कि ये मैत्री के विरुद्ध हो रहा है। हर व्यक्ति की प्रसन्नता में मुझे अंतरात्मा से प्रसन्न होना चाहिए। कल्टिवेट पॉजिटिव एंड यूजफुल थॉट्स rather than negative thoughts and useless thoughts. दूसरा, positive thoughts को cultivate करें बार बार, ये जरूरी है, ठीक। आगे बढ़े, करुणा क्या है, करुणा दूसरा, किसके प्रति, अब जो दुखी है जो सुखी है उनके प्रति तो कौन सा भाव होना चाहिए, मैत्री। आपको आपके आसपास जितने सुखी लोग दिख रहे हैं सबके प्रति मैत्री का भाव, अनन्य प्रसन्नता कि परमात्मा ये खुश है और इनकी खुशी बढ़ती रहे, बहुत अच्छा, इस पे प्रयास कीजिए। जो दुखी है उनके प्रति होना चाहिए करुणा का भाव, करुणा। दुखी जनों के प्रति कंपैशन, करुणा का भाव टूवर्ड्स देयर सफरिंग, ठीक। कि इसको कितना कष्ट हो रहा होगा, मैं इसके कष्ट को दूर करने के लिए क्या कर सकता, मैं इसके कष्ट को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूं। ये कई लोग करुणा को कंफ्यूज करते हैं पिटी से, दया से। ये दया नहीं है। दया, किसी को दयनीय मानना कि देखो बेचारे के साथ क्या हो गया, ये करुणा नहीं है। करुणा किसी को बेचारा समझना नहीं है। करुणा का अर्थ है किसी के दर्द को महसूस करना और उसके दर्द को कम करने के लिए जो सार्थक प्रयास है वो करना। करुणा दया नहीं है। सो कई बार जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और लंबे समय तक दुखी रहता है तो हमारे मन में उसके प्रति करुणा कम होने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग होते हैं जो नए नए, हम देखते हैं कई लोग नए नए कहीं नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो उनके मन में बड़ी करुणा होती है, पर धीरे धीरे समाज का दुख देखते देखते करुणा कम होने लगती है। इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी कम होने है आपकी। करुणा बनी रहना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के प्रति उसके दर्द के प्रति सेंसिटिव होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति के दर्द के प्रति सेंसिटिव होना, ये करने से परापकार, जिस पे हमने पहले चर्चा की थी,
उसका वो मल समाप्त होता है जब हम करुणा हमारे अंदर लेके आते हैं। करुणा का भाव लाना बहुत जरूरी है। तो जितने भी दुखी हैं मेरे आसपास उनके प्रति करुणा का भाव, बार बार एक्सपोजर हो जाने के बाद भी, कई बार घर में कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है और धीरे धीरे लगता है अब क्या करें, कब तक ध्यान रखें ना, और उसके प्रति करुणा कम होने लगती है। इन सब चीजों को अपने अंदर बार बार जागृत रखना करुणा की स्थापना है, इससे मन शांत होता है। बीइंग अवेयर ऑफ योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस के लिए अवेयर रहिए अगर आपको करुणा स्थापित करनी है, ठीक। एक्टिवली चूज टू एक्ट ऑफ लव, एक्टिवली प्रयास कीजिए उस करुणा को महसूस करके उसका प्रदर्शन करने की, ताकि सामने वाले के दुख को आप दूर कर सके, ठीक। एंड एक ओपन हार्ट रखिए सभी के प्रति। तीसरा, पुण्यात्मा, जो पुण्यात्माएं हैं अपने आसपास, जितने लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? मुदिता, जॉय, धर्म मार्ग में प्रवृत्त लोगों के प्रति हर्ष की भावना, खुशी की भावना। ये सोचना जब इन अच्छे लोगों को देखें अपने आसपास, अहो भाग्य इनके माता पिता के, धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्री या पुत्र को जन्म दिया, उनके प्रति ये भाव बार बार मन मिला, यह है मुदिता। जब भी अपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति दिखे उसको बार बार अप्रिशिएट करना, जो सही रास्ते पे उसको उसको बैक करना, हर तरह से, आर्थिक रूप से, प्रोत्साहन के रूप से, शब्दों से, किसी भी रूप में बार बार उसे प्रोत्साहित करना मुदिता है। अपने आसपास जितने सही लोग दिखे, ये असूया नाम का मल खत्म कर देता है कि हम लोगों को, लोगों की अच्छाई में भी बुराई देखते हैं, वो असूया मल समाप्त हो जाता है। कई बार ये हम में कमियां होती हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति खूब अच्छा काम कर रहा है और हम उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमतरी का एहसास होने लगता है, यार क्या है हम नहीं कर पा रहे। ये एहसास हमारे मन को उथल पुथल करेगा, ध्यान नहीं सकेगा। और कई बार हमें एक बायस भी क्रिएट होता है, कैसे, जब जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं वो कुछ अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, ये उसका नेचर है, वो तो है ही ऐसा, वो तो अच्छा है ही, देखो कितना अच्छा काम किया उसने। और जब वो कुछ बुरा काम करता है तो हम कहते हैं उसकी सिचुएशन ऐसी थी, वो भी क्या करता ना, इस सिचुएशन में उसे करना पड़ा, ठीक। पर कई बार जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते वो व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, फंस गया था वो, उसकी सिचुएशन ऐसी थी, उसे करना ही पड़ा, उसे मौका मिलता तो नहीं छोड़ता, पर अब सिचुएशन में फंस गया था तो उसे करना। और अगर वो व्यक्ति कोई बुरा काम कर दे जिसको हम पसंद नहीं करते तो हम क्या कहते हैं, उसका तो नेचर ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसा। ये बायस मुदिता से हमें दूर करती, इससे मन में उथल पुथल बनी रहती। फाइन, आगे बढ़े। पापात्मा, हमारे आसपास हर वो व्यक्ति जो हमें लगता है सही रास्ते पे नहीं है, अधर्म के रास्ते पे है, गलत कर रहा है, भले वो देर तक सो रहा है, भले वो आलस कर रहा है, भले वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा, भले वो करप्शन कर रहा है, भले वो कुछ भी कर रहा है, ठीक, उसके प्रति मन में भाव क्या होना चाहिए, उपेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब अलूफनेस टूवर्ड्स द विकिडनेस, उस व्यक्ति नहीं उसकी बुराई के प्रति इक्वानिमिटी, समत्व होना, ठीक, उसके अंदर जो गलत है उसके प्रति समत्व होना, उसकी आलोचना न करना, आलोचना करने न करना। जब आप आलोचना कर नहीं करेंगे तो द्वेष और अमर्ष, ये दोनों मल आपके अंदर समाप्त होने लगे। किसी की आलोचना नहीं करना, कभी नहीं करना। तो विचार क्या रखें, वह स्वयं अपनी हानि कर रहा है, मैं इसके प्रति द्वेष रखकर स्वयं स्वयं को क्यों दूषित करूं, ठीक, मैं इसको इसके कर्मों पर छोड़ता हूं, हे प्रभु इसे सद्बुद्धि दे। न्यूट्रल रहना, न्यूट्रलिटी। कई बार हम शब्दों में न्यूट्रल हो जाते हैं पर मन में नाराजगी बनी रहती है, वो तक समाप्त करना उपेक्षा है, इससे मन शांत होता है।
इट इज नॉट अप्रूविंग, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की कमियों को अप्रूव कर रहे हैं, इट इज नॉट अप्रूविंग अदर्स बैड बिहेवियर, उनका खराब व्यवहार अप्रूव नहीं कर रहे हैं, इट इज डिसअप्रूविंग देयर कमांड ओवर माई मूड एंड माइंड, मैं उनका अपने ऊपर कमांड समाप्त कर रहा हूं, वो व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा मैं कैसा महसूस करूंगा, मैं बिल्कुल स्थिर रहूंगा, ये है उपेक्षा उस कमियों के प्रति। सो चार भाव महत्वपूर्ण है, जो इसको सही ढंग से यूज करता है वो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, और जो इसको गलत ढंग से यूज करता है वो इमोशनली अनइंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। तो चलिए जरा समझते हैं, अब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं आप अपने आसपास की दुनिया को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक मैट्रिक्स देखते हैं, कैसे, हमने बताया सुखी दुखी पापात्मा और पुण्यात्मा, तो कितने तरह के लोग होंगे, कुछ पुण्यात्मा सुखी होंगी, पहला ये हो गया सुखी पुण्यात्मा है। कितने तरह के लोग हैं, चलिए इस पर विचार करें, कुछ पुण्यात्माएं सुखी होंगी, कुछ पुण्यात्माएं दुखी होंगी, तो ये दो तरह के लोग हो गए, पुण्यात्मा है अच्छा काम कर रहे हैं पर सुखी हैं, और उसके साथ सुखी हैं, पहले टाइप के। दूसरा टाइप पुण्यात्मा है पर दुखी हैं, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप दुनिया में कौन से लोग हैं, पापात्मा है पर बड़े सुखी हैं, ठीक है, गलत काम कर रहे हैं पर बड़ा सुखी का जीवन जी रहे हैं, सुख का जीवन। और चौथे कौन से, पापात्मा है पर दुखी है। तो इनके प्रति हमारे क्या भाव होने चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके प्रति भाव बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमारा ध्यान नहीं सधेगा। तो यह अनिवार्य है कि हम ब्रह्म की तरह विचार, ब्रह्म विहार कैसे, पहले तो सोचें क्या ना करें। चलिए देखें, हम अपने आसपास पुण्यात्माओं को जब भी सुखी देखें तो क्या ना सोचें, क्या नहीं सोचें, पहले यह बात करें, जलन कि मेरे पास ये सुख नहीं, क्यों नहीं है, मैं भी तो डिजर्व करता हूं, मैंने क्या गलत किया जीवन में जो मेरे पास ये सब नहीं है, यह नहीं सोचना है। अंदर सोचते जाइए क्या मैं ऐसा सोचता हूं, ये अगर हम सोचते हैं तो ध्यान नहीं सधेगा, ठीक। फिर वो लकी है, उसके पास सब कुछ है, एक्चुअली ये बोलते समय हम उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं, ये भी नहीं सोचना है। साइकोलॉजी में एक टर्म है एक्टर ऑब्जर्वर बायस, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, इसका मतलब क्या हुआ, हम दूसरों को तो वी इवेल्युएट अदर्स ऑन ट्रेट्स, हम दूसरों को तो उनके गुणों को परिभाषित करके, ट्रेट्स सदगुण या दुर्गुण दोनों परिभाषित करते हैं। जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट लेट आया तो टीचर सोच सकता है लेजी है, आलसी है, इसका मतलब मैंने एक लेबल लगा दिया, एक गुण लगा दिया, ये आलसी है, ठीक। हाँ, मैं आज स्कूल लेट पहुंची तो क्या करूंगी मैं, तो क्या होता है, वी इवेल्युएट सेल्फ ऑन सिचुएशंस, फिर से सुनिए, वी इवेल्युएट अदर्स ऑन ट्रेट्स, हम दूसरों को तो गुणों से, उनके एक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कर्मों से उसको, उनको लेबल करते हैं, पर खुद को सिचुएशन से लेबल करते हैं। आज मैं लेट पहुंची स्कूल तो क्या बोलूंगी, एक्चुअली आज टाइम पे बस नहीं मिली, आज बच्चे लेट उठे और बच्चे की तबीयत भी खराब थी, क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, मैंने खुद का लेट आने में सिचुएशन एनालाइज की और किसी दूसरे के लेट आने में मैंने लेबल कर दिया आलसी है। तो हम एक गलती ये करते हैं कि खुद को सिचुएशन से एनालाइज करते हैं, दूसरों को उनके एक्शन से एनालाइज करते हैं, इसीलिए भी हम गलत सोचने लगते हैं, मन में उथल पुथल आती है। विचार कीजिए इस पे, आगे से हर व्यक्ति की सिचुएशन और स्टोरी जाने बिना उन्हें जज मत कीजिए। सो अब क्या करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अच्छा ऐसे सोचने से क्या होता है, जलन होती है, गलत दृष्टिकोण विकसित होता है। तो सही स्ट्रैटेजी क्या है, जब भी अपने आसपास सही काम करने वालों को सुखी देखें, स्ट्रैटेजी है मैत्री और मुदिता, मैत्री और मुदिता, ठीक। इसका मतलब, मैत्री का मतलब उसके सदकर्म, हमें यह समझ में आना चालू हो कि उसके सदकर्म जीवन में सुख और शांति के रूप में फलित हो रहे हैं, यह विचार मन में आना चाहिए, उसके सदकर्म जीवन में सुख और शांति के रूप में फलित हो रहे हैं, ये पहला विचार मन में आना चाहिए, ये नहीं वो लकी है। दूसरा, हर व्यक्ति के लिए ये एक शुभ संकेत है,
कि सत्य का मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। हर व्यक्ति के लिए ये एक शुभ संकेत है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। ये दो विचार आने चाहिए जब भी आप सही व्यक्ति को सुखी देखें जीवन में, और वो विचार नहीं आने चाहिए जो पहली बात की। ठीक, आगे बढ़े। और अगर आप किसी पुण्यात्मा को दुखी देखें, इतना अच्छा काम करता है वो बंदा, तो भी देखो कितना दुखी है, उसके जीवन में कितने दुख है। इसमें गलत विचार दिमाग में क्या आने लगते हैं, अब सुनते जाइए। क्या आपके दिमाग में विचार आए, सुनिए। जीवन में धर्म और सत्कर्म का कोई महत्व नहीं है। देखो इतने ईमानदार लोग कैसे कष्ट उठा रहे हैं। जीवन में अच्छे लोगों की अब कोई जगह नहीं है। जो सीधा पेड़ होता है ना, उसको लोग पहले काटते हैं। योग्यता, नीति, सत्य, ये केवल किताबी बातें हैं। ऐसा होता नहीं है, जीवन ऐसे नहीं चलता। जब उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा तो उनकी अच्छाई किस काम की। इम्प्रैक्टिकल लोग हैं, थ्योरेटिकल लोग हैं। ठीक, ये विचार लोगों के मन में आने लगते हैं जब वो पुण्यात्माओं को दुखी देखते हैं। प्रसंगवश ये बात हम फिर से बताएंगे कि जब युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद पांडवों को नरक में देखा और दुखी हुए, जो चित्रगुप्त महाराज ने बोला तुम दुखी मत हो, पांडवों के गलत कार्य बहुत छोटे थे, कम थे, अच्छे कार्य अच्छे थे, तो गलत कार्य को समाप्त करने के लिए पहले उन्हें नरक में रखेंगे, परमानेंट उन्हें स्वर्ग में शिफ्ट करेंगे। तो चूंकि उनके अच्छे कार्य ज्यादा हैं तो परमानेंट वो स्वर्ग में शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ गलत काम रहे होंगे कभी, उसके कारण थोड़ा सा कष्ट उठा रहे हैं। ठीक, फिर जब उन्होंने दुर्योधन को स्वर्ग में बैठ के अंगूर खाते हुए देखा तो दुर्योधन के मन में भी यही प्रश्न आया कि क्या धरती की तरह आसमान में भी अच्छाई की कदर नहीं बची। चित्रगुप्त ने बोला नहीं, यहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है, दुर्योधन के बुरे कर्म बहुत ज्यादा हैं, अच्छे थोड़े से हैं, तो शुरू में हम अच्छे कर्म एग्जॉस्ट करने के लिए उसको स्वर्ग में रखेंगे, परमानेंट उसे नरक में शिफ्ट कर देंगे। तो गलत काम करने वालों को शुरू में स्वर्ग मिलता है, परमानेंट नरक शिफ्ट बनता है, और अच्छे कार्य करने वालों को हो सकता है शुरू में थोड़ी परेशानी हो, पर परमानेंट उनका जीवन अच्छा बनता है। भगवान कृष्ण ने भी ये बात गीता में कही है। तो यहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है। आप देखें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बड़ी बड़ी एयरलाइन चलाते थे, उनको शुरू में स्वर्ग मिला था पर अब भारत की जमीन पे पैर नहीं रख सकते। जिन्होंने आईपीएल शुरू किया वो भारत की जमीन पे पैर नहीं रख सकते। और बहुत बड़े बड़े बाबा आज अपने उन कर्मों के फल पा रहे हैं जो गलत थे। सो दोस्तों, जब भी इस तरह के विचार हमारे मन में आने लगते हैं, जीवन में अच्छे लोगों की जगह नहीं है, ये सब, इससे क्या अंदर क्या आ रहा है, डिप्रेशन, होपलेसनेस, गलत विचार, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, नाराजगी। आपका ध्यान कैसे लगेगा, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो फिर सही स्ट्रेटेजी क्या है? हमने आपको कहा ब्रह्म विहार इमोशनल इंटेलिजेंस है। सही स्ट्रेटेजी क्या है? करुणा और मुदिता होनी चाहिए। हम पहले परिभाषित कर चुके हैं सब क्या है, करुणा और मुदिता। करुणा कैसे? हे प्रभु, सही विचार मन में क्या आना, जब भी पुण्यात्मा को दुखी देखे, सही काम करने वाला अगर कहीं दुख पाता दिखे तो मन में पहली करुणा क्या आनी चाहिए, सही विचार सुनिए। हे प्रभु, उसे कष्ट वहन करने की शक्ति दे और मैं उसके कष्ट किस प्रकार कम कर सकूं इसकी मुझे प्रेरणा दे। ये सही विचार है। इसके अतिरिक्त गलत है वो सारे विचार जो पहले बात है। और मुदिता कैसी आनी चाहिए? उसके इस कष्ट, उसके यह कष्ट उसके जीवन की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है जिससे गुजरकर वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति हेतु अनिवार्य सबक सीखे। जरूरी है, राम वनवास के बाद ही तो श्री राम बने, जीसस क्रूसीफाई होके ही तो जीसस बने। विवेकानंद ने शिकागो में क्या कष्ट नहीं उठाए फिर वो विवेकानंद बने। तो पुण्यात्माएं दुख से गुजरती हैं खुद को और पॉलिश करने के लिए, अपने अंदर और शुद्धता लाने के लिए। ठीक, चलिए अगला, तीसरा। यदि पापात्मा को सुखी देखें तो ये भी बड़ी चुनौती की बात होती है। पापात्माएं सुखी दिख रहे हैं,
करप्ट व्यक्ति बड़ा बड़ा बंगला बना रहा है, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा है, बेईमानी करने वाले अच्छी नौकरी पा रहे हैं, ऐसी खबरें पेपर में आती है। इसके यहां छापा पड़ा 10 करोड़ मिल गए और हमारे मन में आता है क्या हो रहा है इस दुनिया में, गलत विचार क्या आने लगते हैं, गलत थॉट क्या है, जलन, देखो इतना गलत करके भी ये प्रगति कर रहा है, हमारी ईमानदारी किस काम की। दूसरा, एंड विल जस्टिफाई द मीन, अंततः दुनिया में अंत भला तो सब भला, विजेता से कोई नहीं पूछता उसने क्या गलत किया, बस आपको ऐसे तैसे जीतना होता है, क्योंकि इतिहास तो विजेता ही लिखते हैं, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। ठीक, सोर्स लगा के, जैक लगा के लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखो हम ईमानदारी का ड्रम पीट रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इस तरह के विचार आपके मन को व्यथित कर देंगे, इससे आपके अंदर क्या भाव आएंगे, क्रोध, हिंसा, बदले की भावना, इल विल, ये सब आपके अंदर आते। सही स्ट्रेटेजी क्या है, जब भी अपने आसपास किसी पापात्मा को सुखी देखें तो स्ट्रेटेजी है मैत्री और उपेक्षा। क्या सही भाव आने चाहिए मन में, ये सोचिए, मैत्री। मैत्री क्या भाव, जब भी आपको अपने आसपास गलत व्यक्ति सुखी दिखे, सब संपन्न दिखे, सुखी दिखे, तो मन में आना चाहिए प्रभु सबका कल्याण करे, उसके गत जन्मों के पुण्य इस जन्म में सुख समृद्धि के रूप में फलित हो रहे हैं, कुछ किया होगा उसने कुछ अच्छा जो अभी उसे तात्कालिक स्वर्ग मिल रहा है, उसके गत जन्म के पुण्य है, वो डिजर्व करता है सुख को, होंगे कुछ जन्मों के पुण्य। उपेक्षा, अब दूसरा विचार क्या रखना है, हे प्रभु यह नहीं जानता कि यह क्या कर रहा है, जो जीसस ने कहा मैं इसे इसके कर्मों पे छोड़ता हूं, प्रभु इसे सद्बुद्धि दे, और कोई विचार नहीं इसके अंदर। देखिए कितने शांत विचार है, आपका मन शांत रहेगा। चौथा, यदि आप जीवन में पापात्मा को दुखी देखें तो क्या हो, जब भी आप पापात्मा को दुखी देखें, ठीक, तो गलत विचार क्या होता है, परवर्टेड प्लेजर मिलता है, अच्छा हुआ ये इसी के लायक, जो व्यक्ति ने गलत किया और वो दुखी है, ठीक है, आप समझाते थे भाई सुबह उठ जा, मेहनत कर ले, नहीं करी उसने पढ़ाई, फेल हो गया एग्जाम में, तो वो इसी के लायक, कई लोग ऐसे सोचते, उसने इतनों को दुखी किया, सबका श्राप लगा उसे, ऐसे भी सोचते, ऐसे लोगों को तो समाज से निष्कासित कर देना चाहिए। कई लोग ड्रग्स लेते हैं, उनके बारे में लोगों की ये विचार है, हमने रिसर्च किया मध्य प्रदेश कि ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित कर देना चाहिए, ये लोग हमारे समाज के नासूर हैं। हमने तो पहले ही कहा था, उसने सुनी नहीं, लो भुगतो। ये सब विचार इल थॉट्स है, इस तरह के विचार आने से पर पीड़ा में आनंद की प्रवृत्ति बढ़ती है, दूसरे के दर्द को हम इग्नोर करते हैं, आक्रोश आता है, बदले की भावना आती, क्रुएलिटी, मारो, ये सब विचार आने लगते हैं, इससे फिर ध्यान नहीं लगेगा। सही विचार क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, जब भी पापात्मा को दुखी देखे, किसी व्यक्ति ने गलत काम किया और आज वो बहुत दुखी है, तो करुणा और उपेक्षा, ये है सही स्ट्रेटेजी। करुणा क्या है, हे प्रभु उसे इस कष्ट को वहन करने की शक्ति मिले, मैं उसके कष्ट को किसी प्रकार वहन योग्य बना सकूं, उसकी मुझे प्रेरणा दे। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, हर व्यक्ति को सुधरने का मौका मिले, ठीक। उपेक्षा दूसरा, और क्या विचार होने चाहिए, यह व्यक्ति अपने कर्मों को भोग रहा है, जो गलत कर्म की, इससे यह शुद्ध होगा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रगति करेगा। इस तरह के जब विचार हमारे मन में रहेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे और हमारा मन शांत होकर आध्यात्मिक प्रगति पे बढ़ेगा, हमारा ध्यान सधेगा। पर यदि हमारे मन में वो जो पहले बात की वैसे विचार होंगे तो सोचिए हमारे मन में कैसा व्यक्तित्व होगा, मेरा जलन, गलत दृष्टिकोण, डिप्रेशन, होपलेसनेस, गलत विचार, फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी, क्रोध, हिंसा, बदले की भावना, इल विल, पर पीड़ा में आनंद, आक्रोश, बदले की भावना, क्रुएलिटी, और इसके बाद लोग कहेंगे हमें ध्यान नहीं लग रहा सर, क्यों लगेगा आपको, आपका सोचने का तरीका ही गलत। तो बहुत खूबसूरती से यहां महर्षि पतंजलि ने बताया किस तरह से सूचे, तो चलिए
एक खूबसूरत मेडिटेशन आज करेंगे। आज हम करेंगे कंपैशन पे मेडिटेशन, करुणा जो एक ब्रह्म विहार है उस पर हम मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन के दौरान हम इस श्लोक और इस मंत्र पर ध्यान करेंगे, लोका समस्ता सुखिनो भवंत, पीपल ऑल मे दे बी हैप्पी, हर व्यक्ति प्रसन्न रहे। वैदिक शास्त्रों का ये सूत्र, ये श्लोक पे आज हम ध्यान करेंगे। इसको मैत्री उपासना भी कहते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवंत, फाइन। चलिए, अपने आप को जहां भी आप खुद को बेहतर स्थिति में रख सकें उसको बेहतर स्थिति में लाएं, कंफर्टेबल बनाएं, और उसके बाद हम धीरे धीरे ध्यान में उतरना शुरू करेंगे। एक प्रॉपर पोस्चर लीजिए, अपने आप को आप बैठे हैं, लेटे हैं, जिस भी आप स्थिति में हैं, एक कंफर्टेबल पोस्चर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर से गहरी सांस बाहर छोड़िए, और मन ही मन ये संकल्प कीजिए, हे प्रभु, तुझे साक्षी मानकर मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान कर। ये संकल्प ले, मेरा एक व्यस्त जीवन है, कई प्राथमिकताएं हैं, कई जिम्मेदारियां भी हैं जो मैं रोजमर्रा में निभाता हूं, किंतु अपने ध्यान में इन सब से एक मानसिक दूरी पर रहूंगा और अपने आप को इन सब से दूर एक शांत स्थिर चित्त के साथ ध्यान में उतरने की अनुमति दे। इस संकल्प के साथ अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और इस सृष्टि की अनंत ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस कीजिए। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक गहरी सांस से फिर अंदर लीजिए और शरीर के अंग अंग तक इस ऊर्जा को पहुंच जाने दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सारा तनाव, सारी चिंताएं, हर जाती सांस के साथ बाहर जाने दीजिए। लेट गो, कंप्लीटली लेट गो, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। अपने पैर को पूरा शिथिल छोड़ दीजिए, आपके पैर पिंडलियां बिल्कुल शिथिल रिलैक्स हो चुकी है, और अब अपनी चेतना को
अपनी जांघों की तरफ बढ़ाइए, एक गहरी सांस लीजिए और इस ऊर्जा को, अपनी जांघों को रिलैक्स करने दीजिए। आपकी थाइस पूरी तरह से रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। और अब आपके हिप्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से शिथिल, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब इस हीलिंग एनर्जी को अपने एब्डोमेन, अपने पेट में आने दीजिए, पूरे पेट को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब आपके कंधे और हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो रहे हैं। लेट दिस कॉस्मिक एनर्जी मेक योर हैंड्स एंड शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरा शिथिल छोड़ दें। आपकी गर्दन इज इन अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन, एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड। अब इस रिलैक्सेशन अपनी आंखों के ऊपर, अपनी भौहों पे महसूस कीजिए। आपका फोरहेड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अब इस रिलैक्सेशन अपने ब्रह्मरंध्र, अपने सिर के ऊपर के हिस्से में महसूस कीजिए। आपका पूरा मस्तक कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। आप एक गहरी विश्रांति में। और अब इस शांत मानसिक अवस्था में हमारे साथ मनीमन इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस मंत्र का उच्चारण इसके अर्थ को ध्यान में लाते हुए कीजिए और अपने हृदय को भर जाने दीजिए उस ऊर्जा से, उस प्रेम से जो इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है। हमारे साथ मनीमन इस विश्रांत अवस्था में मंत्र हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस पूरी सृष्टि हर व्यक्ति, हर प्राणी सुख से जिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और अब इस सघन ध्यान के भाव में अपने परिवार के सदस्यों को याद कीजिए, अपने अभिन्न सदस्य, परिवार के सदस्य, उनके चेहरे अपने ध्यान में लाइए। आपके परिवार के सदस्य
उनको अपनी ओर देखते हुए देखिए। आपके परिवार के सदस्य आपकी ओर देख रहे हैं, उनके चेहरों को देखिए। अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम, करुणा और सहृदयता भर जाने दीजिए। प्रेम से उनकी तरफ देखिए। और अब उनकी तरफ देखते हुए उनके जीवन के संघर्षों को ध्यान में लाएं। कोई बीमारी, दुर्भाग्य, दुर्घटनाएं, समस्या, जिनसे भी वो अपने जीवन में गुजरे हैं, उनके दर्द, उनके दुख, उनकी परेशानियों, उनकी दुश्वारियों को ध्यान में लाइए, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आपके अपने, आपके अपने रिलेटिव्स, उनके दुख, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं ध्यान में लाएं। बहुत प्रेम से उनकी ओर देखिए। और अब उनके लिए प्रार्थना करें कि अब वह अपने जीवन में फिर कभी कष्ट न देखें, उन्हें केवल शांति, प्रसन्नता व संतोष की अनुभूति हो। उनका जीवन शांति, प्रसन्नता और संतोष से पूर्ण हो। उनकी तरफ देखते हुए ये मंत्र मनीमन फिर से उच्चारित कीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन। और अब इसी विश्रांति के भाव अपने नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों को ध्यान में लाइए। अपने नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों को ध्यान में लाइए। ध्यान में लाइए और ध्यान को पकड़ के चलते रहिए। उन दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरों को अपने ध्यान में लाइए। उन्हें अपनी ओर देखते हुए देखें। अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम व करुणा सहृदयता भर जाने दीजिए। रिश्तेदार और दोस्तों के प्रति उन्हें देखिए और मन को उनके प्रति प्रेम, करुणा और सहृदयता से भर जाने दीजिए। और अब उनके जीवन के संघर्षों को ध्यान में लाइए। बीमारियों को, दुर्घटनाओं को, समस्याओं, दुर्भाग्य को,
उनकी ओर देखते रहिए और इन सब को ध्यान में लाइए। उन सब परेशानियों दुर्भाग्य को उनके जीवन के दर्द दुख परेशानियों दुश्वारियों को महसूस कीजिए। जिनको उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है महसूस कीजिए उसे। अब उनके लिए प्रार्थना करें, उन दोस्तों और नजदीकी रिश्तेदारों के लिए, कि वह अपने जीवन में अब फिर कभी कष्ट न देखें, उन्हें केवल शांति प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति हो। उनका जीवन शांति प्रसन्नता व संतोष से परिपूर्ण। ब्लेस देम। और हमारे साथ उनको देखते बहुत प्रेम और करुणा से ये मंत्र फिर से मनी मन उच्चारित कीजिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और अब उन लोगों को अपने ध्यान में लाएं जो उन स्थानों पर रहते हैं जहां युद्ध आंतरिक संघर्ष प्राकृतिक आपदाएं भूकंप बाढ़ अकाल सुनामी और अशांत माहौल, जहां हिंसा का वातावरण, उन सब को ध्यान में लाए, उन हजारों लाखों लोगों को ध्यान में लाए जो इन परिस्थितियों में भयंकर रूप से कष्ट पा रहे हैं, धरती के अलग अलग कोनों में जहां युद्ध अशांति हिंसा आंतरिक संघर्ष प्राकृतिक आपदाएं सुनामी अकाल भूकंप बाढ़, हजारों लाखों लोग इस धरती के जो वहां कष्ट पा रहे हैं, उन्हें ध्यान में लाएं। वो दर्द वो परेशानी हजारों लोग विस्थापित परेशान घबराए हुए, और अब उसी भीड़ में उसी स्थितियों में एक छोटी सी बच्ची की कल्पना करें जो उस स्थिति में फंसी हुई है और अत्यधिक डरी हुई है। एक छोटी सी बच्ची जो इतनी विपरीत स्थितियों में फंसी हुई है और बहुत डरी हुई है, उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के आसपास की भयावह स्थितियों को देखें। ध्यान में लाएं
कि किस तरह उसका जीवन व खुशी इन स्थितियों से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची, उसकी आंखों व चेहरे में उसके सारे दर्द, डर और कष्टों को देखें जिनसे वो बच्ची गुजर रही है। उसे महसूस करें। उसके कष्ट को महसूस करते हुए उन सभी के कष्ट और दुखों पर विचार करें जो उसके जैसे हजारों अन्य लोग हैं जो उन्हीं परिस्थितियों में गुजारा कर रहे हैं। अब उन सब के लिए प्रार्थना करें कि अब वह अपने जीवन में फिर कभी उन कष्टों को न देखे, उन्हें केवल शांति, प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति हो। उनका जीवन शांति, प्रसन्नता और संतोष से परिपूर्ण हो। और हमारे साथ इस श्लोक को उन सभी को ध्यान में रख के दोहराएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप अच्छे से जानते हैं पर किसी कारण से उसे आज नापसंद करते हैं। उसे अपने ध्यान में स्पष्ट रूप से लाइए। कोई एक व्यक्ति जिसको आप अच्छे से जानते हैं पर किसी कारण से आज उसे नापसंद करते हैं, थोड़ा ही करते हैं या अधिक करते हैं। उसे अपने ध्यान में स्पष्ट रूप से लाइए। और अब उसके जीवन के संघर्षों को ध्यान में लाइए। कोई बीमारी, कोई दुर्भाग्य उसके जीवन में रहा हो, दुर्घटनाएं, समस्याएं, उसके दर्द, दुख, परेशानियों को ध्यान में लाइए जिसको उसने अपने जीवन में भोगा है, अनुभव किया है, उससे वो गुजरा है।
एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप अच्छे से जानते हैं पर अभी नापसंद करते हैं, उसके दुख, उसकी परेशानियों को देखिए, उसके दर्द, उसके जीवन की यात्रा, विडंबनाएं, चुनौतियां, दुख। और अब उसके लिए प्रार्थना करें कि अब वह अपने जीवन में फिर कभी इस कष्ट को ना देखे, उसे केवल शांति, प्रसन्नता व संतोष की अनुभूति हो, उसका जीवन शांति, प्रसन्नता व संतोष से परिपूर्ण हो। उसकी ओर देखते हुए मनी मन इस मंत्र का फिर से उच्चारण करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, 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 लोका समस्ता सुखिनो। ओम शांति शांति शांति। आप जब भी तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। परफेक्ट। आप सभी का पुनः स्वागत है। तो एक क्विक रिकैप लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। हमने 33वां सूत्र पढ़ा जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन चार व्यवहार के बारे में जिक्र किया गया जो इमोशनल इंटेलिजेंस का आधार है, और बिहेवियरल स्ट्रेटेजी बताई गई कि सुखी के प्रति मित्रता, दुखी के प्रति दया, पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता और पापात्मा के प्रति उपेक्षा की भावना रखने से चित्त स्वच्छ हो जाता है और चित्त की स्थिति और चित्त शुद्धि प्राप्त होती है जिससे हम ध्यान लगा सकते हैं। अन्यथा चित्त के 6 मल चित्त को मलिन कर देते हैं। राग, ये सुख मुझे सदा प्राप्त होता रहे, ईर्ष्या, किसी और के पास वह देख के जो मुझे चाहिए से आने वाला भाव, परापकार, बदला लेने का भाव, असूया, दूसरों के गुणों में द्वेष देखना, दोष देखना, द्वेष, किसी को क्षमा ना पा कर पाना, अमर्ष, कठोर वचनों को सुनकर या मान में कमी होने पर बदला लेने की भावना होना। सो महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुखी के प्रति मैत्री रखिए, सुखी मनुष्य के प्रति मैत्री का भाव रखिए, दुखी के प्रति करुणा का भाव रखिए। और जब हम सुखी के प्रति मैत्री रखते हैं तो राग और ईर्ष्या समाप्त होते हैं, दुखी के प्रति करुणा रखते हैं तो परापकार समाप्त होता है, पुण्यात्मा के प्रति मुदिता रखते हैं तो असूया समाप्त होती है, और पापात्मा के प्रति अगर उपेक्षा रखते हैं तो द्वेष और आमर्ष समाप्त होता है। और इन चारों को अगर हम एक मैट्रिक्स में जमाएं तो 4 तरह के लोग हमें सृष्टि में मिलते हैं। पुण्यात्मा को जब हम सुखी देखें तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैत्री और मुदिता, और पुण्यात्मा को अगर हम दुखी देखें तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए करुणा और मुदिता, और पापात्मा को यदि हम सुखी देखें तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैत्री और उपेक्षा, और पापात्मा को जब हम दुखी देखें तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए करुणा और उपेक्षा। जब हम धरती को सही ढंग से अपने आसपास की चीजों को देखेंगे तो स्वतः
हमारा मन शांत होगा और ध्यान हमसे सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही।